हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वाली शर्ट का नेक डिज़ाइन, किस तरह से आप ब्रांडेड शर्ट का जो है वो नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो सेम यही वाली शर्ट का नेक डिज़ाइन हम बनाएंगे और इसको बनाने के लिए एंकर थ्रेड का यूज़ करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वाला नेक डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले हमें प्लेन फैब्रिक में से पट्टी को कट कर लेना है और उसके ऊपर एंकर थ्रेड से अब हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले एंकर थ्रेड में से हमने 5 धागा निकाला है और उसको जो है इस तरह से भर लिया है। अब भरने के बाद हम बाइबिन में इसको लगा देंगे और इस तरह से फिक्स कर लेंगे। जिस तरह से आप सिंपल धागे को लगाते हैं, सेम इसी तरह से अब प्लेन फैब्रिक की जो हमने पट्टी ली है उसकी जो चौड़ाई है वो हमने 4.5 इंचेस रखा है और जो लंबाई है वो 14.5 इंचेस इस तरह से हमने लिया है। अब इस वाली पट्टी को हमको पेस्टिंग पेपर पे जो है वो पेस्ट कर लेना है। दोनों पट्टी को पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट करने के बाद इस तरह से जो साइड साइड में कोने होंगे उसको अंदर की तरफ दबाएंगे और प्रेस लगा लेंगे। दोनों सेम इसी तरह से दोनों पट्टी को बनाना है और इस तरह से बीच से फोल्ड करके निशान बना लेना है और नीचे कोनों के साइड से भी इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारी दोनों पट्टी रेडी हो गई है और इस तरह से इसके जो उल्टे साइड है वहाँ पर हमने तिरछी तिरछी लाइन्स ड्रॉ कर ली है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर अब हमें एम्ब्रॉयडरी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम गैप छोड़ेंगे और उसके ऊपर इस तरह की लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमने रेडी किया था बॉबिन के अंदर तागा भर के, अब उसको मशीन के नीचे लगा देना है और ऊपर जो है वो हम रेड कलर की रील लगाएंगे और इस तरह से उल्टी साइड हमने ड्रॉ किया था लाइन्स को, तो उल्टे साइड ही हम इस तरह से चलाते जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं इस तरह से सीधे साइड हमारी एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी, क्योंकि हमने तागा नीचे भरा था तो इसलिए नीचे वाली साइड से एम्ब्रॉयडरी हमारी होगी। अब पूरी पट्टी पर हमें इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करके इसको रेडी कर लेना है। अब इस तरह से हमारी एम्ब्रॉयडरी हो गई है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हमें प्रेस लगाना है, तो अंदर अंदर हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, कोनों कोने से फोल्ड करेंगे और पट्टी रेडी कर लेंगे। अब पट्टी को हल्का सा हमें ऊपर की साइड फोल्ड करना है, हल्का सा गोल करेंगे। इस वाली पट्टी को भी सेम इसी तरह से करेंगे और जो दूसरी वाली प्लेन है उसको भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। अब ये दोनों पट्टी हमारी रेडी हो गई है इस तरह से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बनी है। अब हमें शर्ट के ऊपर इस तरह से बोट नेक अटैच करना है, तो शर्ट के फ्रंट वाले पार्ट पे आप इस तरह से सिंपल जैसे बोट नेक बनता है इस तरह से हम उसको बना करके रेडी कर लेंगे। अब हमारी शर्ट पर बोट नेक बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें हमें एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी को अटैच करना है, तो यहाँ पर 13 इंच लंबी जो है वो हम लाइन ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल बीच से आप पहले सेंटर मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद बीच वाली लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अब इसमें हमको कट करना है, इस तरह से हम कट करेंगे और इसी पर अब हम पट्टी रख के अटैच करेंगे। अब जो हमारी एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है तो उसके ऊपर हल्की सी तिरछी शेप हमें बनाना है इस तरह से, और उसको इस तरह से हल्का सा तिरछा हमें कट करना है। सेम उसी तरह से हम दूसरी वाली पट्टी के ऊपर भी बनाएंगे और इसको अंदर हल्का हल्का सा दबाते हुए फोल्ड कर देंगे। इस तरह से जब हम अपनी पट्टी को शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। अब इस पट्टी को हम शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने सेम जैसे ऊपर से फोल्ड किया था उसी तरह से नीचे से भी हल्का हल्का सा फोल्ड किया है और उसके ऊपर सिलाई लगा दिया है। अब इसको कोने से भी हम हल्का हल्का सा कट कर देंगे ताकि फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग जो इसकी अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं नीचे से भी और ऊपर से भी। अब इस तरह से हम पहले प्लेन वाली पट्टी को रखेंगे, वो नीचे रहेगी और जो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है वो इसके हम ऊपर लगाएंगे।
तो इसको हल्का सा हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हमें इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी जो है वो रखना है। तो अब हम इसको फिक्स कर लेंगे, अब इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पट्टी पर जब हमने एम्ब्रॉयडरी किया था तो जो बीच वाली लाइन है जहाँ से वो फोल्ड होगी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हमें एम्ब्रॉयडरी करना है, ताकि जब हम मोड़ेंगे तो इस तरह से फिनिशिंग हो। अब शर्ट के ऊपर हमें पट्टी को रख के स्टिच करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले नीचे हमने प्लेन फैब्रिक वाली पट्टी को लगाया है, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे सिलना। तो इस तरह से नीचे से सिलेंगे और ऊपर से लाके जहाँ पर नेक बना है इस तरह से उसको पक्का कर लेंगे। अब एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी भी रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह से उसके ऊपर भी हम स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे आपको सिलाई लगाना है ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा डिज़ाइन बन करके रेडी हो। अब दोनों पट्टी सिल जाने के बाद इसके ऊपर से भी हम इसको पक्का कर लेंगे, ताकि ये आगे से खुले ना, और इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। अब ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब मैं आपको डिज़ाइन को बैक साइड से भी दिखाती हूँ कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लग कर के तैयार हुई है। अब इसको हम शर्ट पर स्टिच करेंगे, पूरी फुल शर्ट रेडी करेंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो ये इसका फाइनल लुक है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल ब्रांडेड शर्ट हमारी बन करके रेडी हो गई है। इस तरह से ये लगेगी और जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है सेम वही वाला नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हुआ है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।